सांप का अंडा। एक नगर में रोहित, राजू और शर्मा नाम के तीन दोस्त रहते थे। ये तीन दोस्त के पास कोई काम नहीं था। हर समय चौराहे पर बैठकर इधर उधर की गप्पे करते थे और इधर उधर घुमा करते थे। एक दिन ये तीन दोस्त घूमते घूमते जंगल चले जाते हैं। तभी उनकी नजर सांप के अंडे के ऊपर पड़ी। यह देखकर तीनों दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। अरे राजू, देख ये अंडा कितना चमक रहा है, चल ये अंडा ले जाते हैं। ये तीन दोस्त खुशी से तीन अंडे को लेकर अपने साथ घर वापस आ जाते हैं। कुछ देर बाद सांप अपने जगह पे आता है, देखता है तीन अंडा गायब है। सांप तीन अंडे को इधर उधर ढूंढता है, लेकिन उसे अंडा नहीं मिला। इधर राजू उस अंडे को लेकर अपने घर में रख देता है। कुछ देर जाने के बाद उस अंडे से सांप का बच्चा निकलता है। ये देखकर राजू डर जाता है। राजू तुरंत गोपाल के घर जाता है और सारी बात सुनाता है। राजू, मैं जो अंडा लाया था उस अंडे से भी एक सांप का बच्चा बाहर निकला है, और शर्मा के पास जो अंडा है उस अंडे से भी एक सांप का बच्चा बाहर निकला होगा। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, जब ये सांप बड़े हो जाएंगे तो हम इन्हें बेच देंगे। इधर सांप अपने अंडे को लेकर बहुत परेशान था। तभी एक कौवा आता है और उन तीन दोस्त के बारे में सारी बात सुनाता है। ये बात सुनकर सांप गुस्सा हो जाता है। अच्छा ठीक है, अभी जाता हूँ गांव को, जो कोई भी होगा उसे ढूंढकर मार दूंगा। सांप उस गांव को जाता है और गांव में आतंकी मचा देता है। ये सब देखकर गांव वाले डर जाते हैं। तभी भोला नाम का सपेरा वहां आता है। ए सांप, क्यों आतंकी मचा रहे हो, क्या बात है? तुम्हारे गांव के लोग मेरा अंडा चुरा ले आए हैं, जब तक मुझे मेरा अंडा नहीं मिलेगा मैं इस गांव से नहीं जाऊंगा और सारे गांव वाले को मार दूंगा। तुम मुझे 3 दिन का टाइम दो, मैं तुम्हारा अंडा ला के देता हूँ। सपेरा उन तीन अंडा को ढूंढने लगा। तभी सपेरा रोहित के घर जाता है। तभी उसकी नजर सांप के ऊपर पड़ी। ए रोहित, ये सांप कहाँ से आया? रोहित ने सपेरा को सारी बात बताई। तुम्हें शर्म नहीं आती, एक माँ से उसके बच्चे को अलग करते हो? सपेरा गोपाल और शर्मा के घर जाता है। उन दोनों के पास से सांप लाता है। तुम तीनों मेरे साथ चलो उस सांप के पास और उस सांप से माफी मांगनी होगी, तभी वो सांप तुम्हें माफ कर देगी। ये तीनों दोस्त और सपेरा उस सांप के पास जाते हैं। हमें माफ कर दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। तुम तीनों को माफ कर दिया, लेकिन आज से किसी भी जीव जंतु को उसके माँ से उसके बच्चों को अलग नहीं करोगे। सांप अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी।